हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है, चाहे वह फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ हो या फिर फुल साइज़ हो। इस वीडियो के अंदर हम आपको A to Z स्टेप बाई स्टेप सब कुछ बताएंगे। बस आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और हाँ दोस्तों, आपको स्किप नहीं करना है। एक चीज़ और, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आपके एक कमेंट करने से हमको ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों को बतानी थी। यहाँ पे मैं फ़ोटो को बैकग्राउंड चेंज करने का जो तरीका बताऊंगा वो मैं अपने लैपटॉप में बताऊंगा। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है तो आप लोग ज़रा सा भी ना घबराएं। जो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा वही स्टेप आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन में करेंगे तब भी आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च कर लेंगे बीजी रिमूवर। यहाँ पे बीजी रिमूवर सर्च करने के बाद हमारे सामने जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा उसी को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे रिमूव इमेज बैकग्राउंड और साइड में अपलोड इमेज का ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपलोड इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल में आपका फ़ोटो जहाँ कहीं भी होगा वहाँ से आप ढूँढ के उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही दोस्तों आपका जो पहले का जो बैकग्राउंड रहेगा वो बिल्कुल हट जाएगा, PNG में बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाना है। एडिट के ऑप्शन पे जाने के बाद अब यहाँ पे आपको जैसा भी बैकग्राउंड चाहिए आप उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लीजिए। चाहे आपको सॉलिड कलर में चाहिए या फिर किसी भी इमेज को आप फोटो को लगाना चाहते हैं वहाँ पे आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कलर के ऑप्शन पे जाता हूँ। उसके बाद मैं इस वाले बैकग्राउंड को चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन में जाता हूँ। उसके बाद डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो इमेज है वो बैकग्राउंड के साथ बैकग्राउंड लग जाएगा। उसके बाद हमारा इमेज डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसके नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर करिए। तो चलिए, मिलते हैं हम आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।